हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया और उसका नाम क्या था। चलिए बात करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैज्ञानिकों ने बताया है कि धरती पर इंसान पहले नहीं बल्कि बाद में आए। ध्यान से सुनिएगा, वैज्ञानिकों ने बताया है कि धरती पर इंसान पहले नहीं बल्कि बाद में आए थे। वैज्ञानिकों की माने तो पैसप मिर्या परिकल्पना को किसी भी सूरत में अनदेखा नहीं किया जा सकता है, और इस दृष्टि से देखें तो धरती पर सबसे पहले अंतरिक्ष से जीवाणु आए थे। ये जीवाणु अंतरिक्ष से आने वाली धूल मिट्टी और उल्का पिंड की मदद से धरती पर पहुंचे थे, जिससे ये बात साफ हो गई है कि धरती पर सबसे पहले जीवाणुओं ने ही जीवन शुरुआत की थी। तो आपको एक प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया, तो पृथ्वी पर सबसे पहले जीवाणुओं आए थे। बताते चले कि आज से करीब 20 साल पहले धरती पर गिरे दो उल्का पिंडों को अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों को चौंकाने वाले नतीजे मिले थे। वैज्ञानिकों ने बताया कि धरती पर गिरे इन उल्का पिंडों में वे सभी चीज मौजूद थे जो जीवन के शुरुआत के लिए अनिवार्य होती है। कहने का सीधा मतलब ये है कि उन पिंडों में पानी के साथ साथ जरूरी जैविक तत्व भी थे। अब बात करते हैं इंसान में पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आए। सनातन धर्म के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम ब्रह्मा द्वारा प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु की उत्पत्ति हुई, और मनु ने प्रथम स्त्री शत्रुपा से विवाह किया। इनकी प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतान हुई, और मनु की संतान होने के कारण वे संतान मनुष्य कहलाए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।